What's up guys, welcome back to another vlog. So today is the 16th of August और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी जाएंगे मम्मी को पहुँचने बैंडल, तो गाड़ी लेके जाएंगे, तो एक छोटा सा ड्राइव भी हो जाएगा सुबह सुबह, तो चलते हैं। फिलहाल जस्ट अभी नींद से उठे हैं, ब्रश किए हैं सिर्फ, तो फिलहाल चलते हैं बैंडल, उसके बाद आके सीधा पढ़ने बैठेंगे क्योंकि पूरा पैक्ड स्केड्यूल है, तो फिलहाल यही प्लान है, चलते हैं। सो गाइस अभी आए थे बैंडल और अभी घर जा रहे हैं, मम्मी को छोड़ दिए, तो बज रहे हैं अभी 6:38, तो आई होप 7:15 तक पहुंच जाएंगे सही से। और मेरे को इतना नींद आ रहा है ना क्योंकि हम सुबह चाय नहीं पिए, और जब चाय नहीं पीते ना मेरे मतलब आँख नहीं खुलता है। अभी हम कैसे आए हमको पता नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि नशे में आए हैं, हमको याद ही नहीं है, हम पूरा नींद में हैं हम, मतलब अभी ड्राइव करना भी थोड़ा अनसेफ ही है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक है कोई ना, चलते हैं, पहुँच जाएंगे जल्दी, उसके बाद थोड़ा सा चाय वाय पी के थोड़ा माइंड सही करके फिर पढ़ने बैठेंगे, पढ़ना है बहुत। यहाँ पे और व्लॉग नहीं बनाते, वहाँ हाईवे पे उठ के कुछ बनाएंगे तो दिखाएंगे फिर। गाइस क्या धूप आ रहा है, मतलब यहाँ से ना ये धूप मेरे को बहुत पसंद है, तो अभी चलते हैं हाईवे पे ज्वाइन करके ना। ये जो रास्ता है ये इतना बेकार है, ये एक्चुअली GT रोड है और ये इतना बेकार है, मतलब हम इस रास्ते पे ऑलमोस्ट लास्ट 6 साल से आ रहे हैं। पहले जब आते थे ना तब कल्याणी से साइकिल लेके आते थे, तब भी ये रोड ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है, एकदम फुल कंजेस्टेड। और ये मतलब ढलाई क्या हुआ रास्ता है, ढलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं हमको पता नहीं, सो लाइक डोंट माइंड, बट अलग ही रास्ता है, मतलब पता नहीं क्या नशे करके ये इंजीनियर लोग या कोई भी हो जो बनाता है ये लोग बनाते हैं, पता नहीं, नो आइडिया, बट यही रास्ता है जो बैंडल जाता है, तो आई हैव नो चॉइस टू बी ऑनेस्ट। एनीवेज चलते हैं, मिलते हैं हाईवे पे उठ के, ब्रिज पे मिलते हैं ईश्वर गुप्त सेतु का ब्रिज पे। यहाँ पे सन का हालत देखो, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, पूरा बादल बादल होके रखा है, और सामने अभी रोड का हालत देखो, मतलब इसके लिए हम लोग टैक्स भरते हैं, इस गाड़ी का इतना टैक्स देते हैं, फिर रोड टैक्स देते हैं हर जगह, सामने दिखाएंगे एक जगह पे टैक्स देना पड़ता है, जो ब्रिज होता है ना ईश्वर गुप्त सेतु जो गंगा के ऊपर है, उसके लिए 10 रुपया देना पड़ता है। 10 रुपया इज नॉट द मैटर, द मैटर इज कि वो ब्रिज मतलब कभी भी गिर सकता है, उसका हालत वैसा है, फिर भी ये लोग, इट इज़ नॉट फ्रॉम NHAI, बट ये लोग फालतू में यहाँ पे, यहाँ का जो क्या बोलते हैं लोकल पीपल है, लोकल होता है क्या है पॉलिटिकल थिंग, वो लोग वहाँ पे पैसा लेते हैं 10-10 करके पर कार और पर यू नो दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स लेते हैं, और ये चलता ही जाता है, मतलब अभी लास्ट कितने साल से देख रहे हैं, जब से छोटे से तब से देख रहे हैं, मतलब दिस इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय NHAI ना, यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ है NHAI के द्वारा, एंड दिस रोड्स आर जनरली दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट रोड्स, सो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू टेक एनी मनी इन टर्म्स ऑफ टैक्स फ्रॉम यू, बट पता नहीं ये लोग क्यों ले रहे हैं, और इन लोग के साथ पुलिस भी शायद जुड़ा हुआ रहता है, पता नहीं, नो आइडिया, बट हालत देखो रास्ते का पूरा धूला धूला होकर रखा है। ये अगर मतलब ये से आओ ना स्कूटी या बाइक से ना, भाई साहब मतलब मुंह टू ना ऐसा लगता है कि यार मतलब कोई पानी डाल दे मुंह पे एकदम सीधा, ऐसा लगता है। अब देखो ये अंदर घुसा दिया ना ये गाड़ी, मतलब सिर्फ यही चलता है, इधर तक ट्रक आता है एज बिकॉज वो जो ब्रिज है वो मतलब अभी बहुत वीक है, तो वहाँ पे बड़े जो ट्रक्स हैं ना वो नहीं जाते, तो यहाँ पे ये लोग ट्रक्स वक्स आते हैं यहाँ तक,
फिर यहाँ पे अनलोड करते हैं, और ये छोटा छोटा गाड़ी है, छोटा हाथी बोलते हैं ना इन लोग को, ये छोटा हाथी के अंदर माल लोड करके फिर ले जाया जाता है इधर उधर। तो मतलब यहाँ पे अलग ही चलता है भाई। अभी यहाँ पे ब्रिज विज बन रहा है, ये बन जाएगा ना भाई तब ये लोग का पैसा बंद हो जाएगा, देखना फालतू का पैसा लेता है ये लोग। अभी सामने धूप गिर रहा होगा तो कैमरा पूरा अंधा हो जाएगा, तो दिखाएंगे जहाँ पे लोग टैक्स लेते हैं ना दिखाएंगे। रुको मेरे, यहाँ पे लोग टोल लेते हैं, विच इज आई डोंट नो इफ इट्स, पता नहीं, हो सकता है कि नहीं जाए कि दौड़ा हो, आई हैव नो आइडिया, देखते हैं। टोल दिखाते हैं पहले तो। আপনাদের এই টোলটা এটা কি এমনি আপনার এনএইচএ থেকে করান নাকি এটা কি স্টেট গভর্নমেন্ট? পিডব্লিউডি। পিডব্লিউডি আছে। প্রথমে 5 বছর ধরে রাখে, তারপরে সব দিয়ে দেয় রাজ্য সরকার, রাজ্য সরকার দিয়ে যাবে 10 লক্ষ। সরকারের আন্ডে থাকলে টোলের কিছু দেখতে পাবে না, লাভাংশ পাবে না, ঝেড়ে সব শেষ করে দেবে। এমনি এটার এমনি এই নতুন ব্রিজ হয়ে গেলে এটা কি করবে জানেন কিছু? এটা ছোট গাড়িগুলো যাবে হয়তো দেখা দেবে, টোল সবাই করতে হবে এক জায়গায় যে করে যাবে। হ্যাঁ, এই বড় ব্রিজ হয়ে গেলে ডাইরেক্ট টোল দিয়ে দেবে একটা কথা। যেদিক দিয়ে খুশি যাক তোমার টোল একটা হয়ে যেতে। এই যে এখন এই চাকদার দিকে বেরোলে এটা টোল দিয়ে দিয়েছে। ছোট গাড়িগুলো ঘুরে গাইস দেখা কেসা ফ্রি কা কন্টেন্ট মিল গিয়া। वो बंदा आया मेरे को बोला कि वहां तक मतलब ब्रिज क्रॉस करवा दो, वो ऑफिसर है इस साइड का, ठीक है, कुछ ऑफिसर ऑफिसर होगा, पता नहीं क्या ऑफिसर है, हाथ में तो एक आइडेंटिटी कार्ड था। तो मुझसे पूछे कि ये क्या एनएचआई का मतलब पार्ट है या नहीं, तो वो तो बोला नहीं, मतलब हम रिकॉर्ड किए हैं, पता नहीं वो आया है कि नहीं, फिर भी समराइज कर देते हैं। एक्चुअली वो बोला कि जब एनएचआई पहले जब कुछ ब्रिज व्रिज बनाता है तो पहला जो 5 साल है उस 5 साल का लगता है मतलब टोल जो एनएचआई लेता है, उसके बाद एनएचआई टेंडर को बेच देता है, उसके बाद टेंडर जो खरीदता है उसके हाथ में चला जाता है। तो अभी पीडब्ल्यूडी के पास है टेंडर, तो ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा लिया जाता है ये जो टोल टैक्स या टैक्स है ब्रिज का, ईश्वर गुप्त सेतु का, गंगा क्रॉस करने का। तो अभी वो पीडब्ल्यूडी लेता है, और द थिंग इज कि हम सोचे तो थोड़ा वीडियो बनाएंगे गंगा के ऊपर, बट ये बंदा था बैठा और मेरा वो जो मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग है वो चल रहा था, सो दैट इज व्हाई हम कुछ नहीं, हम फोन नहीं उठाए। हम अगर फोन उठाते ना उसको पता चलता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बोले, मतलब क्या बोलते हैं एकदम क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्लीनली बोले, वैसा कुछ शर्माए नहीं कि ऐसा है वैसा है, पैसा खा रहा है ये लोग, ऐसा नहीं है। पर ठीक है यार, अब एक ब्रिज क्रॉस करना है, एक रिवर गंगा के जैसा एक बड़ा रिवर क्रॉस कर रहे हैं, तो ठीक है 10 रुपया तो चलता ही है। ये सभी हाईवे पे उठ चुके हैं, सामने व्यू दिखाते हैं, ऐसे कुछ व्यू सामने का, और सूर्यादेव एक बार जा रहे हैं एक बार आ रहे हैं, इसको उठा देते हैं, एक बार जा रहे हैं एक बार आ रहे हैं, और ये साइड का व्यू, अजीब सा ही धूप है भाई, मतलब ठीक है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बज रहा है 6:57, 10-12 मिनट में पहुंच जाएंगे घर। और देखो फिर से धूप आ गया ना, अलग ही चल रहा है भाई, लुकन छुपाई। एनीवेज चलते हैं घर, जाके फिर चाय पी के पढ़ने बैठेंगे, थोड़ा सा दिमाग को शांति में रखेंगे फिर पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि बहुत पढ़ना है, बायोसिस्टमेटिक्स पढ़ेंगे आज। ये देखो ये लोग इधर खड़े रहते हैं, और ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कुछ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं होगा, खड़े भी नहीं इस साइड आ रहे, रॉन्ग साइड, क्या बताए यार। यहाँ पे देखो यहाँ पे बंद किया हुआ है, फिर भी कहाँ से पता नहीं टपाके चले आए हैं।
बट एक्चुअली वो रिक्शा है ना, तो मतलब उन लोग को फिर घूम के बहुत घूमना पड़ेगा, वो लोग पैडल करते हैं ना, ऐसा नहीं कि मोटर वोटर है कुछ, तो उनका भी कुछ सोचना पड़ता है उतना भी, मतलब क्या बोलते हैं, रूल्स अगर तुम फॉलो करोगे तो सबको बहुत दिक्कत होगा, इन सबको रूल्स तो शायद हम लोग के लिए है क्योंकि हम लोग गाड़ी में है, पता नहीं यार, मतलब सोसाइटी इज़ वेरी मिस्टीरियस, पता नहीं कैसा है एक्चुअली, कभी कभी लगता है यार गलत है, कभी कभी लगता है नहीं भाई सही है। एनीवेज आ गए हैं JS कॉलेज, JS के मोड़, यहाँ से लेंगे लेफ्ट, ये चाचा भी लेंगे लेफ्ट, और ये चाचा लोग का गाड़ी जो होता है ना, इसमें ऐसा सिस्टम होता है इंजन का कि कुछ सुनाई नहीं देता है। अब यहाँ पे हम अगर हॉर्न ना मारे ना, ये चाचा हमको साइड ही नहीं देंगे। देखो इसका इंजन इतना लाउड है भाई, मतलब V12 V8 बाई टर्बो सब फेल है भाई इसके सामने। तो भाई चलो कल्याणी में आ चुके हैं, और दिखा है तो मेरा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा। एनीवेज करंट ट्रिप 26 किलोमीटर 51 मिनट्स 16 का माइलेज मिला है व्हिच इज गुड। अभी हम एसी छोड़ के ही आ रहे हैं क्योंकि वेदर बाहर सही है, बारिश होता रहता है कल्याणी में तो ज्यादा उतना गर्मी नहीं होता, अभी एकदम मस्त वेदर है और धूप भी बहुत ही ज्यादा है, बट आई नो थोड़ी देर बाद ही बारिश हो जाएगा 100%। हम दिखाएंगे ब्लॉग पे कि बारिश हो रहा है, देखो अभी मौसम इतना क्लियर है, कुछ देर बाद पूरा बारिश। अब ठीक है बहुत बात कर ली है, लास्ट 3-4 मिनट से शायद बात ही कर रहे हैं, अभी चलते हैं घर, घर जाके फिर मिलते हैं। गाइस आ गए हैं कल्याणी, और पूरा कल्याणी खोद के रखा है, पता नहीं ये मोदी का क्या है भाई, यहाँ पे देखो पूरा खोद के रखा है रास्ता। अभी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब का है पता है, प्रॉब्लम है जब धूल उठता है, अभी तो जैसे बारिश वारिश हो रहा है तो इट्स नॉट एन इशू, बट जब धूल उठता है ना गर्मी के टाइम तब इतना प्रॉब्लम हुआ हम लोग को। यहाँ पे मनसा पूजा हो रहा है, अभी आज से नहीं है कल से पूजा है, और यहाँ पे जो मूर्ति है वो भी आ चुका है और बहुत सुंदर है मूर्ति, बहुत सुंदर। देखिए ये है मनसा का, मनसा माता का मंदिर है नहीं है, मूर्ति है सिर्फ, मंदिर तो शनि का है यहाँ पे। एनीवेज चलते हैं घर, मेरा घर इधर ही है एकदम साइड पे, तो हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे दोस्त लोग जब ये पूजा होता है ना, इस बार भी आई होप सो आएंगे, कल से है पूजा, कल सैटरडे है तो हाँ हम तो रहेंगे। ये गाड़ी भी अभी निकल रहा है, ये कुत्ती है, मेरा डॉगी मिला है आज। अब गाड़ी देखते हैं बाहर ही लगाते हैं, शायद पापा निकलेंगे। सो गाइस अभी मेरा जो लंच है वो आ गया है, ठीक है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है डोमिनोज से, ऑल दो आई डोंट लाइक डोमिनोज ज़्यादा, बट दिस इज़ माय बुक, पढ़ रहे थे, पढ़ाई हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब अभी के लिए। और बाहर का जो वेदर है वो अभी बहुत सही है फ़िलहाल, बारिश वारिश नहीं है, धूप भी अच्छा खासा है, बाहर ट्रेन भी जा रहा है। सो अभी खाते हैं, उसके बाद नहा के सो जाएंगे, थोड़ा नैप लेंगे, फिर शाम से फिर स्टडी पढ़ना चालू करेंगे, तो मिलते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक, एंड राइट नाउ इट्स अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, और बाहर मतलब अंधेरा आई हो ही गया है ऑलमोस्ट, तो आई हैड अ वेरी गुड स्लीप, जस्ट हम उठे, पापा आखिर मेरे को जगाए, एंड अभी निकलेंगे एक दोस्त के साथ थोड़ा इवनिंग वॉक पे, फिर आके 8:30 बजे पढ़ने बैठेंगे। कल कुछ व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि कल हम पूरा दिन पढ़ेंगे, परसों हम कहीं जा रहे हैं तो उसका मे भी थोड़ा व्लॉग आ सकता है, बट कल हम प्रोबेबली नहीं बनाएंगे कुछ व्लॉग बिकॉज कल पढ़ेंगे पूरा दिन, तो
ये वीडियो पूरा कंटिन्यू करेंगे, सो इट वुड बी अ बिग व्लॉग दिस वन, एंड इट वुड कंसिस्ट ऑफ द 16th and 17th ऑफ ऑगस्ट. ठीक है, आज 16th है, कल 17th है, तो कल का भी कुछ पार्ट दे देंगे बस. तो अभी चलते हैं एक दोस्त के साथ, जाएंगे इवनिंग वॉक पे, थोड़ा सा स्वेट अप करते हैं खुद को. स्वेट अप करने के बाद ना कंसंट्रेशन बहुत मतलब इंक्रीज हो जाता है पढ़ने का. ये हम देखे हैं जब से छोटे थे ना, तब से हम कभी खेल के आते थे ना, उसके बाद ना अलग ही कंसंट्रेशन आता था. एनीवेज अभी फिलहाल चलते हैं, थोड़ा चाय पियेंगे ऑफकोर्स, शाम हो गया है, नींद से उठे हैं और चाय पियेंगे ऑफकोर्स, तो ये तो होना ही है. तो चाय पीते हैं फिर निकलते हैं. तो गाइस इट्स द नेक्स्ट डे और अभी जा रहे हैं टॉगी को बुलाने. क्या आया चिंते ही पड़छ ना ওইদিকে ঘোরো, যাও. এই একটাই এই কাম হ্যাঁ ইসকা ফির দেখো চল, কাজ নেই তোর, সকাল সকাল ঘুরে ঘুরে শুধু টয়লেট করে বেড়াবে. अंदर नहीं भाई, अंदर नहीं, बाहर. टाटा. What's up guys, welcome back. So today is the 18th of August और today is the second day, तो दो दिन का vlog एक साथ डाल देंगे. तो अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 9:30 और अभी पढ़ने बैठेंगे. थोड़ा पढ़ लिए हैं, फिर से पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, बायोसिस्टमेटिक्स और मेरा मन नहीं कर रहा. अब वो जब होगा एग्ज़ाम उसके पहले ही पढ़ेंगे, फर्स्ट एग्ज़ाम वही होता है. तो सेकेंड एग्ज़ाम माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी है, तो आज से वही पढ़ना चालू करेंगे. और आज ना हम लोग का जो स्कूल है, जो हम ऑलरेडी 5 साल पहले क्या बोलते हैं पास आउट कर दिए हैं स्कूल को, बट वहाँ पे ना आज इंटर ब्रांच का मैच हो रहा है. तो अभी हम कुछ जूनियर्स को मैसेज किए थे कि एक स्टूडेंट्स को अलाउड है कि नहीं कि वहाँ पे जाके मैच देख पाए. तो अगर वो अभी वो लोग पूछेगा स्कूल में कि अलाउड है कि नहीं, अगर अलाउड होता है तो फिर एक दो दोस्त के साथ जाएंगे, कुछ जूनियर्स भी जाएगा, मतलब मेरे से जूनियर है बट वो भी एक स्टूडेंट्स है, तो वो लोग भी जाएगा. तो अगर हाँ आता है तो जाएंगे स्कूल, थोड़ा दिखाएंगे स्कूल कैसा है वैसा है, बट अगर नहीं होता है तो ठीक है भाई, पढ़ेंगे बैठ के घर पे, प्रॉब्लम नहीं है. तो फिलहाल यही प्लान है, अभी चलते हैं पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी, देखते हैं थोड़ा अगर टाइम लैप्स बना पाते हैं, क्योंकि पढ़ने के टाइम ना टाइम लैप्स उतना मतलब ध्यान जाता है सिर्फ टाइम लैप्स के ऊपर, तो पढ़ाई नहीं होता, इसलिए हम पढ़ाई का कुछ वीडियो नहीं डालते उतना. एनीवेज चलते हैं पढ़ाई करते हैं, देखते हैं. सो गाइस अभी बज रहे हैं 5:00 और अभी निकल रहे हैं थोड़ा इवनिंग वॉक के लिए. तो हम और दो दोस्त रहेंगे, थोड़ा घूम के आते हैं फिर आके पढ़ना कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आके चाय वाय पियेंगे, बैठेंगे थोड़ा प्लान वैन बनाएंगे फिर पढ़ना चालू करेंगे. और पता नहीं क्यों यार मैं हम पढ़ नहीं पा रहे उतना ज़्यादा जितना हम सोचे थे कि पढ़ेंगे. अब फिर से कल एक जगह जाना है, तो कल का भी थोड़ा स्टडी हैम्पर होगा, देखते हैं क्या होता है यार. मतलब उतना खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा कि हाँ भाई ठीक है पढ़ रहे हैं, इतना इतना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों. मेरा माइंड चलते हैं अभी फिलहाल, थोड़ा घूम के आते हैं, देखते हैं थोड़ा माइंड रिफ्रेश करते हैं, आके देखते हैं फिर हो पाता है कि नहीं. तो इस अभी हो रहा है टाइम 5:20 एंड आई डोंट नो ये क्यों फोकस नहीं करता है. तो निकलते हैं,
दोस्त भी आता ही होगा। और सामने बारिश होगा शायद, लगता है क्लाउड्स देख के। तो देखो क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, शाइन मत तैयार हो कैसा। सो गाइस अभी जस्ट लौटे और नहा लिया मस्त, मेले में थे, मस्त मेला लगा यहाँ पे और दोस्त लोग सब थे तो अच्छा ऐसा मतलब एंजॉयमेंट हुआ। अभी घर आ गया है, कुछ काम नहीं है क्योंकि अभी 9:30 बज चुका है तो पढ़ाई नहीं करेंगे, करते बट कल एक सुबह एक जगह जाना है, जहाँ जाएंगे एक्चुअली वो हम लोग का होता है ना जो पूर्वज का घर होता है, मतलब मेरे फोर फादर्स का जो घर है वहाँ जाएंगे। वहाँ पे हम लोग का बहुत लैंड वैंड है, घर वर है, वहाँ पे विलेज एरिया है तो उधर जाएंगे गाड़ी लेके सुबह सुबह 7:30 बजे निकलेंगे प्रोबेबली। तो एज बिकॉज सुबह निकलेंगे 2 घंटा मेरे को ही ड्राइव करना है तो इसलिए प्रोबेबली थोड़ा भी सो लेंगे सो दैट अच्छे से रेस्ट मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे रास्ता थोड़ा विलेज एरिया है ना, थोड़ा रास्ता इधर उधर होता है, बारिश भी हो रहा है अभी बहुत तो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, देखते हैं। एनीवेज तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल भी पढ़ाई नहीं होगा, एग्ज़ाम्स है 6 सितंबर से तो पता नहीं क्या होगा। तो फिलहाल अभी तो सोचे हैं कि कल भी जाना है वहाँ पे, कल भी शायद पढ़ाई नहीं होगा तो मंडे से एकदम अच्छे से पढ़ना है, कल है संडे तो मंडे से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, यही सोच के अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, कल बनाएंगे ब्लॉग प्रोबेबली बट मम्मी पापा रहेंगे ना तो गाड़ी चलाने के टाइम उतना ब्लॉग नहीं बना पाएंगे क्योंकि मम्मी पापा डांटते हैं बहुत कि एक हाथ से गाड़ी चलाओगे एक हाथ से ब्लॉग बनाओगे ये क्या है, तो यही प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं और कल देखते हैं क्या बना पाते हैं क्या नहीं। तो